प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इन्वर्टेड निप्पल की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वर्टेड निप्पल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि डिलीवरी के बाद ज़्यादातर लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, स्पेशली उनको जिनकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है, क्योंकि जिनकी सेकेंड टाइम हुई है वो अगर एक बार अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा चुके हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं, अभी फर्स्ट टाइम आपकी डिलीवरी होने जा रही है या डिलीवरी हो चुकी है और आप अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो आज के इस वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने जा रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। ये जो इन्वर्टेड निप्पल की प्रॉब्लम होती है, ये मुझे कुछ इस तरह से लगती है कि जैसे सामने थाली परसी हुई रखी है लेकिन हम उसको खा नहीं पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्वर्टेड निप्पल की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें जो महिला के जो निप्पल्स होते हैं वो अंदर की तरफ धंसे होते हैं। इस कंडीशन में वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। ब्रेस्ट में फीड तो प्रॉपर मिल्क बन रहा है, हमारे पास हमारा बच्चा भी है, वो पीना चाहता है, हम पिलाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाते। ये इन्वर्टेड निप्पल की प्रॉब्लम जो होती है ये कुछ इसी तरह की होती है, और ज़्यादातर लड़कियों को डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। मैंने भी अपनी डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम फेस की थी, इसीलिए आज का ये वीडियो जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, डिलीवरी के बाद बच्चे को माँ का दूध मिले तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि माँ के दूध में जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो बच्चे तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर बच्चे को 6 महीने तक माँ का ही दूध पिलाया जाए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया जाए, मतलब ऊपर से पानी की भी एक बूंद ना दी जाए, सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, तो बच्चे की इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। बच्चा कम से कम बीमार पड़ता है, एक्टिव बहुत होता है, बच्चे का ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो सोचिए कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना अच्छा है। लेकिन अगर आप डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिला पा रहे हैं, आपको ऊपर का दूध देना पड़ रहा है, डिब्बे वाला दूध देना पड़ रहा है, या फिर कई जगह मैंने देखा है कि बच्चे के जन्म लेते ही तुरंत उसको गाय का दूध पिलाना शुरू कर देते, जो कि बिल्कुल भी बच्चे के डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे की तो सेहत अच्छी होती ही है, माँ की अपनी भी सेहत बहुत अच्छी होती है। इससे पीरियड्स आपके लेट में आते हैं डिलीवरी के बाद, जो कि अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी डिलीवरी के टाइम इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है कि पीरियड लेट आए तो ज़्यादा अच्छा होता है। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कम से कम होती है, जो आपने एक्सेस वेट गेन किया हुआ है पूरी प्रेगनेंसी वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को कराते हैं तो। और भी जो शारीरिक दिक्कतें हैं वो अगर आपने बच्चे को प्रॉपर फीड कराती हैं तो आपको नहीं होगी। मैंने अपने बच्चे को 8 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाया था, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया था, उसकी भी हेल्थ बहुत अच्छी रही। मैंने बहुत सारे अपने बच्चे के बचपन की फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे शेयर की हैं, आपने नहीं देखा है तो प्रतिभा6633 इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है, आप देख सकते हैं। मैंने भी अपना बहुत जल्दी, मैंने काफ़ी 17 किलो वेट गेन किया था अपनी प्रेगनेंसी में, जो कि 10 महीने बाद ही डिलीवरी की अपने आप धीरे धीरे कम हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये फ़ायदा होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराने का। लेकिन अगर इन्वर्टेड निप्पल की प्रॉब्लम है तो कैसे करेंगी ये सब? काफ़ी सारे लोग परेशान होकर के ब्रेस्ट फीड ही नहीं कराते, बच्चों को छोड़ देते हैं, फिर वो ऊपर का ही पिलाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया था जिसके नीचे इस टाइप के कमेंट्स आए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने, जो हमारी बहनों ने कमेंट किए थे। आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इसलिए ये वीडियो आपके लिए आज फिर से मैं शेयर कर रही हूँ। इन्वर्टेड निप्पल की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कुछ खास ट्रिक्स होती हैं। क्या है वो ट्रिक्स? पहली चीज़, जब भी आप ये जो ट्रिक है ये आपको डिलीवरी के पहले 1 महीने पहले से ही फॉलो करनी है। जब भी आप नहाने जाएं, नहाते टाइम आपको 4 से 5 मिनट तक अपने निप्पल्स को है वो बाहर की तरफ प्रेस करना है। इन्वर्टेड निप्पल का मतलब होता है कि वो अंदर की तरफ धंसे होते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। अंदर की तरफ धंसे होने की वजह से बच्चा मुँह में पकड़ नहीं पाता निप्पल, बार बार आप कितनी भी कोशिश करेंगे वो बार बार छोड़ देगा। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्वर्टेड निप्पल की। तो आपको 1 महीने पहले से ही, ये ट्रिक्स मुझे कभी किसी ने बताई नहीं, सारी चीज़ें मुझे डिलीवरी के बाद पता चली, और जब मैंने पीडियाट्रिशियन से मैंने कांटेक्ट किया, जब काफ़ी मैं परेशान हो गई, 5-6 दिन तक अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी, तब मैंने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई, ये सारी ट्रिक्स उन्होंने मुझे करके बताई कि ऐसे ऐसे आपको करना है।
तो खैर ये तो डिलीवरी के पहले वाली मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको डिलीवरी के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो नहाते टाइम आपको 4 से 5 मिनट तक अपने ब्रेस्ट को कि जो आपके निप्पल हैं उनको बाहर की तरफ प्रेस करते रहे, इससे काफ़ी हद तक आपके जो इन्वर्टेड निप्पल हैं वो आउटवर्ड हो जाएंगे, वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको डिलीवरी के बाद फॉलो करनी है कि जब भी आप बच्चे को अपने दूध पिलाएं, देखिए आप फर्स्ट टाइम माँ बने हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, उसको कितना करीब से पकड़ना है, किस पोजीशन में पकड़ना है, किस पोजीशन में बैठ के बच्चे को दूध पिलाना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे ज़्यादा यही मैटर करती है जो मैंने सीखा अपनी डिलीवरी के बाद। तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने बच्चे को बिल्कुल एकदम बेहद करीब अपने ब्रेस्ट के लाके दोनों अपने आपके जो दोनों हैंड हैं आपको अपने बच्चे के नीचे एकदम लगाने हैं, सर के नीचे हाथ लगाना है पूरा, और एकदम नज़दीक ला करके आपको अपने बच्चे को फीड कराना है, और बैठ के अपने कमर के पीछे पिलो लगा करके, क्योंकि डिलीवरी के बाद कमर दर्द की प्रॉब्लम बहुत होती है चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, तो कमर के पीछे अपने तकिया लगा लीजिए 2-3 ताकि आपको अच्छे से सपोर्ट मिले, आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम रहेगी तो आप अपने बच्चे को फीड भी नहीं ठीक से करा पाएंगे। उसके बाद बच्चे को बेहद नज़दीक ला करके अच्छे से दूध पिलाइए और अपनी नज़रें बच्चे पर ही रखिए ताकि वो देखते रहिए कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं, उसकी नाक जो है ब्लॉक तो नहीं हो गई है ब्रेस्ट का, उसके ऊपर ज़्यादा मतलब उसकी वजह से नाक तो नहीं बंद हो गई है, बच्चे के मुंह में प्रॉपर दूध जा पा रहा है कि नहीं, वो सांस ले पा रहा है ठीक से, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते रहना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी फीड कराएं तो नज़रें अपने बच्चे के ऊपर ही रखिए। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, और बहुत सारे हमें पता है कि हमारी जो बहनें हैं जो कमेंट करके बताती हूँ, उनके घर में बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जिनके घर में कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं, तो मैं आपको अपनी एक बड़ी बहन की तरह या फिर आप दोस्त समझ सकते हैं, इस तरह से मैं आपको ये छोटी छोटी सारी चीज़ें आपको शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो बहुत आसानी से आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा पाएंगे, और जब भी बच्चे को फीड कराएं तो फीड कराने से पहले भी 4-5 जब भी आप बच्चे को फीड कराएं तो 4-5 बार अपने निप्पल को बाहर की तरफ प्रेस करिए, फिर बच्चे को के मुंह में उसको लगा के बच्चे को एकदम नज़दीक ला करके दूध पिलाए, इससे बच्चा बहुत आसानी से आपका फीड पकड़ लेगा, पीना शुरू कर देगा और उसका पेट भी भरेगा। जब बच्चा आराम से ब्रेस्ट फीड पकड़ लेता है, पीना ब्रेस्ट मिल्क उसके मुँह में आना शुरू हो जाता है तो फिर वो अच्छे से उसका पेट भी भरने लगता है। 1.5-2 महीने तक आपको बैठ कर ही दूध पिलाना है क्योंकि उस समय बच्चा छोटा होता है, वो हैबिचुअल नहीं होता कि कैसे दूध पीना है, उसके अटक सकता है, फंस सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो बैठ के ही 2 महीने तक कम से कम आपको दूध पिलाना है। उसके बाद फिर अगर आप लेट कर भी बच्चे को दूध पिलाते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन लगती थी दूध पिलाने के लिए, अगर आप लेट कर भी बच्चे को फीड कराते हैं तो भी वो आराम से कर लेगा क्योंकि वो भी हैबिचुअल हो चुका है, आप भी हो चुके हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर आप लेट कर भी अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 महीने में आपको बैठ कर के ही कराना है। तो ये है वो 2 खास टिप जो कि आपको फॉलो करनी है, 1 डिलीवरी से पहले, 1 महीने पहले ही, कि आपको अपने निप्पल्स को बाहर की तरफ प्रेस करते रहना है जिससे कि वो इन्वर्टेड की बजाय आउटवर्ड हो जाए, और दूसरी जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो एकदम नज़दीक ला करके पहले अपने निप्पल को प्रेस कर ले बाहर की तरफ, तब बच्चे के मुंह में लगाएं, इससे बच्चे का अच्छे से पेट भी भरेगा और वो अच्छे से सोएगा भी और उसकी अच्छे से हेल्थ भी बन पाएगी। तो ये थी वो खास प्रॉब्लम, अगर आपको इन्वर्टेड निप्पल की है प्रॉब्लम तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकता है। इसे शेयर भी ज़रूर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि हो सकता है कि हमारी कोई और भी बहन हो जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हो, या जो भी प्रेग्नेंट हैं आपके नोन में उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। नमस्कार।